मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर आज हम कारक प्रकरण में कर्म कारक की चर्चा करेंगे। हम थोड़ा सा सूत्र शैली से पढ़ाते हैं, यह पाणिनि द्वारा सूत्र शैली है, और सूत्र शैली से अगर हम हर चीज़ को या कारक से संबंधित बातों को जान गए, हमारा पढ़ना और पढ़ाना दोनों आसान हो जाएगा। तो कर्म कारक में पहला जो सूत्र है कर्म कारक का, कि कर्तु रीप्सितमम कर्म, अर्थात कर्तु माने कर्ता, कर्तु माने कर्ता, इप्सितमम, इप्सित माने होता है चाहना, इप्सित माने होता है चाहना, कर्ता जिसको चाहे वह कर्म कहलाता है। तो कर्ता बहुत सी चीज़ों को चाहता है, जैसे आप फल की दुकान पर गए, आप एक एक करके सारे फलों के नाम पूछते हैं, लेकिन हम अपने बजट के अनुसार ही जो हमें फल अच्छा लगता है उसी फल को खरीदते हैं। तो जिस फल को खरीदते हैं वही फल हमारे लिए कर्म हो जाता है। तो कर्तुर इप्सित तमम, इप्सित तमम कहने का मतलब जिसको सबसे ज़्यादा चाहे। दाम तो सभी का पूछा, सभी फल खाने की इच्छा थी, लेकिन उसमें से जो विशेष फल हम लोग चुनते हैं या खरीदते हैं वही इप्सित तमम कहलाता है, अर्थात ढेर सारों में से, अर्थात ढेर सारे फलों में से एक फल को चुनना, या बहुत सारे फूल के गुच्छों में से अपनी मनपसंद की एक फूल को निकालना, वही इप्सित तमम है। और ये तमम एक प्रत्यय है और एक तरप प्रत्यय है। तरप प्रत्यय जब दो लोगों में श्रेष्ठता बतानी हो तरप का इस्तेमाल करते हैं, और जब तमम बहुत सारे वस्तुओं में से जब हमें किसी एक को चुनना होता है तो वहाँ पर तमम प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो कर्तुर इप्सित तमम कर्म, कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा करना चाहेगा उसी को हम कर्म कहते हैं। ये कर्म की परिभाषा है। और कर्मणि द्वितीया से, किससे? कर्मणि द्वितीया से, कर्मणि द्वितीया यह विभक्ति सूत्र है। कर्मणि द्वितीया से हम लोग क्या करेंगे, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। यह सूत्र कहेगा कि यह सूत्र बताएगा कि कर्म है क्या, और जो कर्म हो हम डिसाइड कर लेंगे तो यह कर्मणि द्वितीया सूत्र क्या करेगा, वह उस विभक्ति का उस शब्द में प्रयोग कर देगा। तो यह कर्तुः रीप्सित तमम कर्म, यह सूत्र है कि कर्ता जो जिसको सबसे ज़्यादा चाहता हो या जिसको सबसे ज़्यादा करना चाहता हो वह कर्म कहलाता है। जैसे मोहनः फलम खादति, मोहनः फलम खादति, मोहन फल खाता है, और फल भी क्रिया से जुड़ा हुआ है, फल भी क्रिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने कारक की परिभाषा बताई थी, क्रियान्वितम कारकत्वम, क्रिया से अन्वित अर्थात क्रिया से संबंध रखने वाले को हम कारक कहते हैं। तो मोहना फलम खादति में हम कर्म कैसे पहचानेंगे, खाने वाली रूपी क्रिया मोहन कर रहा है, और क्या खा रहा है, फल खा रहा है, अगर यह फल नहीं होता तो मोहन खाने वाली रूपी क्रिया नहीं करता। तो मोहनः फलम खादति, तो मोहन सबसे ज़्यादा फल खाना चाहता है, इसीलिए फल में कर्तुर इप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई, और कर्मणि द्वितीया से हम लोग द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किए, और फल में जब द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो रूप बनेगा फलम। तो यह एक सूत्र था। अब हम अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सूत्र है अधि सिंह अस्था साम कर्म, दूसरा हमारा सूत्र है कर्म कारक का ही, अधि सिंह अस्था साम कर्म। तो यह सूत्र बताता है कि अधि उपसर्ग के बाद, अर्थात सिंह अस्था आस धातु सब आए, तो इन धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा रहेगा तो इनके आधार में कर्म संज्ञा होगी, इनके आधार में कर्म संज्ञा होगी, अधि सिंह अस्था आस कर्म, अर्थात सिंह अस्था आस
धातु से पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो, केवल यही तीन धातु शिंग अस्था आस, इन्हीं धातु से पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो इनके आधार में, इनके इसके पहले पाणिनि महोदय ने सूत्र लिखा है आधार वाला, तो वहाँ से आधार की अनुवृत्ति आ गई, तो अधि शिंग अस्था साम कर्म आधार अर्थात इनके आधार में क्या संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी, और कर्मणि द्वितीया से हम लोग द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो वह धातु कौन कौन सी है, सिंह, तो सिंह अर्थात इसका रूप चलता है सेते, तो अर्थात सिंह का अर्थ होता है सोने के अर्थ में, अस्था इसका रूप चलता है तिष्ठत करके, इसका अर्थ होता है ठहरना, आस जो है इसका रूप आस्ते चलता है तो इसका जो है अर्थ होता है बैठना, अर्थात सिंह अस्थायास धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग होगा तो उसके आधार में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, जबकि सामान्यतः जो है वह सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए आधारो अधिकरणम सूत्र से, लेकिन एक यहाँ पर कंडीशन हो गया, एक बाध्यता कर दी गई कि यदि इन धातु से पहले अधि उपसर्ग होगा तो आधार में सप्तमी अर्थात आधार में सप्तमी न होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण है शिशु, उदाहरण है शिशु, हो जाएगा शिशु, शिशु पलंग पर सोता है, शिशु पलंग पर सोता है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि साधारण नियम से पलंग जो है सोने का आधार है, और हमने बताया था कि आधारो अधिकरणम सूत्र से यहाँ पर सप्तमी होनी चाहिए थी, लेकिन इसके दो अनुवाद हो सकते हैं, या तो शिशु पर्यंके सेते करेंगे तो अनुवाद सही होगा, लेकिन यदि हम शिशु पर्यंकम सेते करेंगे गलत हो जाएगा। दोनों को देख लीजिए, यदि हम शिशु पर्यंकम, शिशु पर्यंकम अधिसेते, अधिसेते शिशु पलंग पर सोता है, तो यहाँ सिंह धातु थी, इसका रूप सेते से सेते चलता है, तो अधि उपसर्ग लगने के कारण ही आधार में क्या हो गई, कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। यदि हम यहाँ पर अधि उपसर्ग हटा दें, क्या हटा दें, अधि उपसर्ग हटा दें, तो अधि उपसर्ग हटा देंगे तो शुद्धि अशुद्धि में पूछता है शिशु पर्यंकम सेते, तो यह अनुवाद गलत है, तो आधार में कौन सी संज्ञा तुरंत हो जाएगी, यहाँ पर मह हटकर पर्यंके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब यह अनुवाद सही है आधारो अधिकरण सूत्र से कि शिशु पर्यंके सेते। यहाँ पर यही कंडीशन लिखी गई है कि इन धातुओं से कौन कौन सी, सिंह अस्था आस, अरि सिंह अस्था साम कर्म, तो अरि सिंह अस्था सा आस धातुओं से पहले यदि अधि उपसर्ग आएगा तो उसके आधार में, बालक के सोने का आधार क्या है, पलंग है, तो सामान्यतः जो नियम कह रहा था कि वहाँ पर सप्तमी होनी चाहिए थी, लेकिन अधि उपसर्ग अगर इन धातुओं से पहले लग जाए, किन धातुओं से पहले, सिंह अस्था आस, तो उसके आधार में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर अगर यदि हम अधि लिख दें, अधि उपसर्ग लिख दें, तो यहाँ पर हमें जो है पर्यंकम करना पड़ेगा, इसके पहले जो अनुवाद लिखे तो वह अभी सही था सप्तमी विभक्ति, लेकिन यहाँ पर अधि नहीं रहेगा, लेकिन यदि हम सिंह धातु के पहले अधि उपसर्ग लगाएंगे तो उसके आधार में हमेशा जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। प्रश्न पूछने का तरीका है कि द्वितीय विभक्ति होगी अरि सिंह अस्था साम कर्म से, तो यह एक सूत्र के द्वारा पूछ लेता है कर्तुर इप्सित तमम कर्म, यह भी द्वितीय विभक्ति द्वितीय कर्मकारक करने वाला सूत्र है, और अरि सिंह अस्था साम यह भी जो है कर्मकारक करने वाला सूत्र है, और भी हम आगे धीरे धीरे इसकी चर्चा करते रहेंगे।
अब जैसे ये बड़ी कक्षाओं में पूछता है कि ऐसा कौन सा सूत्र है जो आधार की कर्म संज्ञा करता, ऐसा कौन सा सूत्र है जो आधार की कर्म संज्ञा करता है, जबकि सामान्यतः जो है आधार की सप्तमी अर्थात अधिकरण कारक अधिकरण संज्ञा करता है, लेकिन यह जो है अरिसिंह अस्था साम यह सूत्र आधार की कर्म संज्ञा करता है अर्थात आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करता है। तो अरिसिंह अस्था साम कर्म, तो सिंह अस्था आस धातु से पहले यदि अरि उपसर्ग होगा तो शिशु पर्यंकम अरिसेते रूप बनेगा। यदि अरिसेते के पहले सेते से पहले अरि को हटा देंगे तो पर्यंकम की जगह हमें पर्यंके लिखना पड़ेगा। तो और उदाहरण लेते हैं, जैसे इसका एक उदाहरण और है कि राम, एक उदाहरण और लेते हैं कि राम घर में स्थित है, राम घर में स्थित है अर्थात राम घर में ठहरा हुआ, दोनों अर्थ होगा। तिष्ठत ठहरना हमने बताया ना, अस्था धातु का क्या होता है ठहरना स्थित होना, तो जहाँ हम लोग स्थित होंगे जहाँ पर रहेंगे उसे ठहरना ही कहते हैं। तो राम घर में स्थित है, तो यहाँ रहने का आधार क्या है, घर है। ठहरने का आधार, स्थित होने का आधार घर है। तो सामान्यतः नियम से यहाँ पर सप्तमी होनी चाहिए थी, लेकिन हम यदि तिष्ठत धातु से पहले या अस्था धातु से पहले यदि उपसर्ग लगाएंगे तो इसके आधार में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कि राम है, तो घर को हम गृह कहते हैं, और यदि अस्था धातु से पहले हम अधि उपसर्ग नहीं लगाएंगे तो गृहे होगा, यदि अधि उपसर्ग लगा दिए तो यहाँ पर गृहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गृहम अधितिष्ठति, क्या हो जाएगा, अधितिष्ठति। अब प्रश्न पूछ लेगा रामः गृहम अरितिष्ठति में किस सूत्र से, रामः गृहम अरितिष्ठति में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुआ है। तो किस सूत्र से हुआ, अरिसिंह अस्था साम कर्म से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो रामः गृहम अधितिष्ठति, इसके आधार में हमेशा यदि सिंह अस्था आस, हम बार बार क्यों दोहराते, क्योंकि पेपर के समय यह भूल जाता है किन किन धातुओं की, अभी बहुत सी धातुएं मिलेंगी कि इन धातुओं को ये कंडीशन रहने पर ये कारक का प्रयोग होगा। तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक और कॉपी पर नोट करते जाइएगा कि राम घर में स्थित है तो रामः गृहम अरितिष्ठति, प्रश्न पूछेगा कि रामः गृहम अरितिष्ठति में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो वहाँ पर चार ऑप्शन दिए रहेंगे, वहाँ पर यह भी मिलेगा अरिसिंह अस्था साम कर्म से, जो है रामः गृहम अरितिष्ठति में गृहम की कर्म संज्ञा हुई है। तो यह जो है एक उदाहरण ले लेते हैं आस धातु का, और वह जो उदाहरण होगा कि राजा सिंहासन, राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा सिंहासन पर बैठता है। तो राजा को बैठने का जो आधार है सिंहासन है, सामान्यतः इसमें सप्तमी विभक्ति का आधार में प्रयोग होना चाहिए था आधारो अधिकरणम सूत्र से, लेकिन जो है अस्था धातु पर यदि हम अधि उपसर्ग लगा देंगे तो जो है जैसे नृपः है सिंहासनम, नृपः सिंहासनम अध्यासते अध्यासते, यहाँ पर जो ध आधा है वो संधि होकर हो गया है, अधि और आस्ते आ रहा था ई का यह हुआ है तो अध्यासते रूप बना है। तो नृपः सिंहासनम अध्यासते, यह भी अनुवाद सही है, और एक अनुवाद इसका और भी हो सकता है, और एक अनुवाद इसका और भी हो सकता है, और जैसे वह अनुवाद दिया है कि नृपः सिंहासने, नृपः सिंहासने
आस्ते, नृप सिंहासने आस्ते, राजा सिंहासन पर बैठा। इसका यह भी अनुवाद सही है और इसका यह भी अनुवाद सही है। अंतर क्या है कि कहीं कहीं पर सिंहासने, कहीं पर सिंहासनम, यहाँ पर अधि उपसर्ग आया आस्ते आस्था धातु आस धातु के पहले, तो आधार की कर्म संज्ञा हो गई और यहाँ पर अधि उपसर्ग न आने के कारण आधार की जो सप्तमी अधिकरण संज्ञा थी वह अधिकरण ही संज्ञा रह गई। तो दोनों अनुवाद सही है। प्रश्न में ये दोनों दे देंगे कि राजा सिंहासन पर बैठता है, अनुवाद होगा, ये भी अनुवाद देगा, ये भी दे देगा, तीसरा कुछ अलग देगा और लास्ट में लिख देगा ए और बी दोनों। तो आपको ये छोटी छोटी गलतियों से बचना है, तो इसीलिए आप दोनों रूपों को पढ़ते चलिए कि यह जो अरिसिंह अस्था साम कर्म है यह आधार की क्या करता है, कर्म संज्ञा करता है। तो अब हम अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। हमने दो सूत्रों की चर्चा की, कर्तु ईप्सित तमम कर्म, अर्थात कर्ता का सबसे जो प्रिय होगा या जो कर्ता सबसे ज़्यादा जिसको चाहेगा उसकी कर्म संज्ञा, अधिसिंह अस्था आस कर्म अर्थात अधि उपसर्ग के पहले, अधि सिंह अस्था आस धातु से पहले यदि अधि उपसर्ग लगा होगा तो उसके आधार की अर्थात क्रिया के आधार की जो है कर्म संज्ञा होगी। भाई बैठने का आधार क्या है, बैठना एक क्रिया है, उसका आधार क्या हो गया, सिंहासन है। तो यह सूत्र थे, हम अब अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो है अगला सूत्र है कि अंतरांतरेण युक्ते, अंतरांतरेण युक्ते अर्थात अंतरा माने होता है, अंतरा माने होता है बीच में, बीच, और अंतरेण माने होता है, अंतरेण माने होता है बिना, अंतरेण माने होता है। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अंतरा माने बीच में और अंतरेण माने बिना। इसको थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम समझे, अंतरा अंतरेण युक्ते से अर्थात बीच में और बिना शब्दों के योग में हमेशा जिसके बिना होगा, जिसके बीच में होगा वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो पहले हम जो है अंतरा का ले लेते हैं, रामम लक्ष्मणम, रामम लक्ष्मणम च अंतरा सीता अस्ति, रामम लक्ष्मणम च अंतरा सीता अस्ति, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है। तो यहाँ पर किसके बीच में है, राम और लक्ष्मण के बीच में, इसलिए राम और लक्ष्मण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। राम और लक्ष्मण में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ, अंतरांतरेण सूत्र के द्वारा, रामम लक्ष्मणम च अंतरा सीता अस्ति, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है। तो इस प्रकार से वाक्य देगा कि किस सूत्र के द्वारा हुआ, अंतरांतरेण युक्ते सूत्र के द्वारा जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो कारक पढ़ने से हमारा अनुवाद भी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाए, हम अनुवाद भी करना सीख जाएंगे। तो राम लक्ष्मणम च अंतरा सीता अस्ति, तो जिसके बीच में होगा उसी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, और दूसरा हमारा उदाहरण है कि जैसे दिया है गोपाल के बिना कौन वहाँ जाएगा, गोपाल के बिना कौन वहाँ जाएगा, तो हो जाएगा गोपालम, गोपालम, तो बिना का जो होता है हो जाएगा अंतरेण, गोपालम अंतरेण कौन वहां जाएगा, कह तत्र गमिष्यति, गोपालम अंतरेण कह तत्र गमिष्यति,
किसके बिना? गोपाल के बिना। तो इसीलिए गोपाल में क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, गोपालम बना। गोपालम अंतरेण कह तत्र गमिष्यति, गोपाल के बिना कौन वहाँ जाएगा। गोपाल के तत्र माने वहाँ, कह माने कौन, गमिष्यति माने जाएगा। गोपालम अंतरेण कह तत्र गमिष्यति, गोपाल के बिना कौन वहाँ जाएगा। तो यह सूत्र यही बताता है कि अंतरा और अंतरेण, अंतरा माने बीच में, अंतरेण माने बिना, जिसके बिना और जिसके बीच में क्रियाएं होंगी वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यह कारक से, द्वितीय विभक्ति से संबंध, कर्म कारक से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। इसके और सूत्र हैं, इसकी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसको लोड डाउनलोड और यूट्यूब पर लोड करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसीलिए इसके अगले वीडियो में हम और कर्मकारक के सूत्रों की चर्चा करेंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर प्रथम बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।